धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज दी हजूरी विच पहुंचे होए बेटे दी अंतम अरदास ते पहुंचे बख बख राजनीतिक दलां दे आगू साहिबान बख बख पूरे भारत वर्ष चो सारिया ही स्टेटां तो सिद्धू नूं प्यार करन वाले भैण भरा सारिया ही संस्थावां क्लब जिन्हें भी तुसीं इत्थे पहुंचे हो एक बार गुरु की फतेह अर्ज करदा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भरावो 29 मई नूं ऐसा मनहूस दिन चढ़िया सी जिस दे अनुसार ये भाणा वरत गया पर तुहाडे प्यार ने तुहाडे वल्लों जो हंझू बहाए ने उसने मेरा दुख काफ़ी हद तक घट किया। ये घाटा जे मैं तुहानू कहां भी मैं आसानी नाल पूरा कर लूँगा या सहन कर लूँगा तो ये सब कहन दियां गल्लां तो हो सकदियां है पर इसनू मेरा परिवार ही समझ सकता है अज असी कित्थों ते कित्थे पहुँच चुके हैं। गुरु साहब के हुक्म ने गुरबाणी सानू दसदी है एक उही रस्ता बचा गुरु साहब तो सेध लेके दशमेश पिता तो सेध लेके कोशिश करूँगा अगली जिंदगी नू रोड़न दी अगली जिंदगी नू शुरू करन दी। सच्चे पातशाह गुरु साहब तो शक्तियां दे मालक सी संत सिपाही सी गुरु सी वो तो इन्नी झल गए पर मैं इन्नी जोगा दुनिया भी नहीं सी पर महाराज फिर भी तुहाडा हुक्म सिर मत्थे है जिंदगी नू हर हालत में चलती रखांगा ये तुहाडे नाल वादा करना। जितों तक शुभदीप का सवाल है वो एक बड़ा सीधा साधा नौजवान जिवें आम पिंड जट्टां जवाक हुंदे है इस तरह का उहदा जीवन सी भरावो। नर्सरी दे विच जदों मैं मानसा विद्या भारती स्कूल दे विच पढ़न लग्या तो मेरा ख्याल उदों मेरे पिंड नूं कोई इत्थों बस भी नहीं जांदी सी। उन्हां समयां दे विच साधना की बड़ी घाट सी पर फिर भी कदे बसां दे उत्ते कदे अपने स्कूटर ते छड के कदे 2.5 साल दा सी 3 साल दा जो सैकंड क्लास दे विच पढ़दा सी मैं फायर विभाग दे विच वीरों नौकरी करदा उधरों अग लग गई उधरों मैनूं छड्डण गया होया मैं 20 मिनट लेट हो गया। उस दिन तो मैं कहा पुत्रा जा तू पढ़ेगा जा मैं नौकरी करूँगा। असी छोटा जा साइकिल लेता तुसी यकीन करो सैकंड क्लास तो साइकिल ते जाना शुरू किया बच्चे ने प्लस टू तक साइकिल चलाया डेली 24 किलोमीटर स्कूल जाना फिर 24 किलोमीटर ट्यूशन ते जाना। इस बच्चे का कण कण मेहनत के नाल भरिया पिया है किते भी मतलब पैसे दियां तंगियां तुरछियां दे नाल असी दो भरा हैं सानू 5-5, 6-6 किले पितापुर की जमीन आउंदी सी कोई पैसे दी भी कोई आपां कह दईए भी ज़्यादा अमीरां वाली गल नहीं सी भी रोह खिचता धू करके आपणा टाइम पास कीता सी। इन्हां हालातों चों मैं बच्चे नूं इत्थों तक लैके आया कदे जेब खर्च भी इस बच्चे नूं पूरा नहीं मिलिया सी पर इन्हें अपनी मेहनत सदका प्लस टू की नॉन मैडिकल दे नाल उस तो बाद ग्रेजुएशन करन वास्ते लुधियाणा जी गुरु नानक इंजीनियरिंग कॉलेज चला गया उपरंत आईलैट्स करके बाहर चला गया। वीरो सारी डिग्री करन उपरंत भी इसने मैनू कदे भी तंग नहीं किया जेड़ा भी जेब खर्च माड़े मोटे गाने लिख लेंदा जदों कोई जेब खर्चा मुकदा एक दा गाना सेल करता ते आपदा टैलेंट पाया। इस तरह ही बुलंदियां ते पहुँच तक भी इस बच्चे ने कदे भी अपनी जेब दे विच पर्स नहीं रख्या। देखो जदों भी कोई 1000 की लोड़ है 2000 की लोड़ है पापा दिओ पैसे मिल इन्नी निम्रता इन्ना प्यार मैं कहना जिन्ना साडे हिस्से आया शायद ज़्यादा करन करके जल्दी मुक गया मैं महसूस करदा। ये बच्चा जदों भी घरों निकलता है कदे भी पैरी हथ लाए तो बिना आग्या लाए तो बिना गड्डी दी सीट ते बैठ भी जाना माँ माँ कह के बोल मारते रहना जब तक माँ बुक्कल च ना लेंदी कन्न थले टिक्का ना लाउंदी
कदे घरों नहीं चलिया सी वीर। 29 तरीक पता नहीं किहो जी आई कि माँ पिंड विच मर्ग हुई सी किसी दे बैठन चली गई और मैं घर विखे सी। मैं कहा भी मैं पुत्र तेरे नाल चलदा परंतु कहना तुहाडे कपड़े ठीक नहीं। मैं खेतों आया सी ते तुसी आराम कर लो नहा धो लो। मैं 5 मिनटा जी बस जूस वगैरह पी के वापस आ गया। तो जिहड़ा ओ मैं हमेशा परदे दी तरह परछावां बन के बच्चे दे नाल रहा सारी जिंदगी। तो आखिर समय दे उत्ते वीरों मैं भी खुंझ गया ते अज मेरे हाथ वो समा नहीं लग रहा। मैनू बार बार पछताउण तो अलावा मेरे पल्ले कुछ भी नहीं रहा। वीरो तुसी सरकारां दे मालक हो, सारे लीडर साहिबान बचे हो, मेरे पंजाब नूं इस अग चों कढ लो। अज मेरा उजड़िया, कल किसी का होर ना उजड़े। मेरी थोड़े सारिया के हम अगे हथ बन के बेनती है कि मैनू हले तक यह भी नहीं पता भी मेरे बच्चे का कसूर की सी। कम से कम जे मेरा बच्चा कोई गलती करता है तो अपनी समाजिक रीता उलंभा वो माँ बाप को दे के आने हैं भाई भाई तेरे बच्चे ने आ डोलिया बिगाड़िया सब इनू कंट्रोल कर ला। मेरे को अज तक भी एक भी फोन कॉल जा किसी का कोई उलंभा मेरे को अज तक नहीं आया। सी दोने जी बैठे मैं गुरु ग्रंथ साहब वाल हथ करके कहना मेरा बच्चा मेरे गल लग के रोया भी पापा मैनू एक गल दसो हर एक चीज़ मेरे नाम नाल क्यों जुड़ जाती है। मैं किसी का भी माड़ा नहीं किया। मैं उतो फिर भी मैं यकीन नहीं किया भी नौजवान बच्चे है कई बार माँ बाप को नहीं पता होंगे कोई छोटी मोटी गलती कर जाते हैं। मैं क्या मेरे सिर पर हथ रख के सहू खा आपकी माँ के सिर पर हथ रख के सहू खा दोनों हाथ है रखा के कहा भी तू कदे भी किसी का कोई फोन कॉल जां किसी चीज़ में बोलता नहीं है। कहना नहीं है फिर मैं कह तेनू डरन की लोड़ नहीं है अपना परमात्मा ते विश्वास है अपना कोई माड़ा नहीं करता। वीरो जे आपां कोई गलत काम करते हुए तो शैतान बंदा अपनी सौर सुरक्षा करता है। जे मेरा बच्चा कदे किसी कितें गलत भी हुंदा तो कला गड्डी लेके कदे नहीं आता सी। वो नाल 5-7 गनमैन भी रखता चाहे प्राइवेट मुंडे प्राइवेट क्यों ना रखते सी क्योंकि सानू कदे खतरा महसूस होया ही नहीं सी। असी पिछ छोटी मोटी जिहड़े हालात बिगड़ते कंट्रोवर्सियां चलदियां रहियां उन्हां तो असी इन्ने ज़्यादा परेशान सी। पर सोशल मीडिया की कृपा भी इन्नी रही भी छोटी जी गल हुंदी नहीं तुहानू वधा चढ़ा के पेश करी जाना। सोशल मीडिया के मेरे बुरे हाथ बन के थोड़े बुरे बेनती है वीरो दुख असी पुत का जर लेंगे थोड़े ना वादा करता गुरु ग्रंथ साहब की हाजरी असी अपनी जिंदगी किमें ना किमें रोड़ना हीला कर लेंगे। पर मेरे परिवार को मेरे पुत के सिवे वो बख बख खबर ना बनायो उन्हू कि कहानियां बना बना के स्टोरिया ना पायो। मैं पुत गुआया जो मैं देखना मैं फोन नहीं देखा वीरो जिदन की घटना हुई है मैं जो पढ़ता मेरा हिरदा बलूंदरे जाता है। मेरा बच्चा बेहद संत साध सुभा का बच्चा सी वो कदे भी किसी का नुकसान करना नहीं चाहता सी पर उदा अपना हो बैठा है क्योंकि जे उदे मन दे विच कोई भी पुन पाप हुंदा जां उन्हूं किसी गल तो खतरा हुंदा तां वो अपनी सुरक्षा का होर भी प्रबंध कर सकता सी। वो बुलंदियों ते पहुँच के अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी भी रख सकता सी। तुसी खा मखा हरेक चीज़ नूं खबर ना बनाया करो। कदे तुसी भाई राजे बारे कुछ बोल दिंदे हो कदे किसे वीरो साडी जिहड़े परिवार ने मदद करी है जिहड़ा भरा 2 साल तो साडी मदद करता रहा है की कसूर हो गया जे असी उहदा तुसी ना लै लै के बुरा भला बोल दो। मैनू बहुत बुरा लगता इस गल तों वीर बन के सानू सिर्फ मैं तुहानू सारयां नू क्लीयर कर दिंदा क्योंकि तुहानू सारे तुसी सुनने वाले सारी गल सुनना चाहते हो। सिद्धू दा नू इलैक्शन च कोई नहीं लेके आया। सिद्धू नू उहदा इलैक्शन लड़ना अपना मन सी। मैं भी रोकया भाई राजे ने भी रोकया उहनू भाई तेरे बस की गल नहीं तेरा बड़ा वधिया फ्यूचर चलता सानू तो एक हल्का जानदा तो तू तो दुनिया से मशहूर है। उहदा अपना फैसला सी वीरो एवें ना किसी नू बुरा भरा बोलिया करो। मेरी थोड़े चरणां च हथ बन के बेनती है वीरो पहाड़ जिड्डा दुख है कहना सौखा है ये कर लेंगे वो कर लेंगे पर जिंदगी दे विच बिल्कुल घुप हनेरा होया। पर शायद मैं सोचता हुंदा सी भी बंद एक अद्धा पड़ा हर एक इंसान की जिंदगी दे विच माड़ा हुंदा चाहे बचपन आ जाए चाहे बुढ़ापा आ जाए चाहे जवानी आ जाए। पर मैं एक बदकिस्मत बाप हाँ मैं बचपन भी माड़ा वेख्या मैं बुढ़ापा भी माड़ा वेख रहा। चलो फिर भी अपने कोई कर्मां दीआं तकदीरां दे कोई मैथों गऊआं दे वाड़े नूं अग लगी होनी है कदे कोई पाप होया होना। मैं गुरु ग्रंथ साहिब नूं बेनती करदा भी सच्चे पातशाह जहान बच्चा समझ के
ਹੋਈਆਂ ਪੁੱਲਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਵੀਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਬੋਲਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ। ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪਰ ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਵੀ ਹਲੇ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਮੈਂ 5-10 ਸਾਲ ਤਾਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਮੇਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਤ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਬੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਵੀਰੋ ਅਣਜਾਣ ਦੁਖੀ ਬਾਪ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।